डिफेक्ट के बारे में जानते हैं। रिक्तिका दोष, किस प्रकार के घटनाओं में रिक्तिकाएं दोष घटती हैं? जैसा कि हम लोग सॉलिड इन डिफेक्ट, डिफेक्ट इन सॉलिड के अंतर्गत जब हम लोग अध्ययन कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग काफी कुछ पॉइंटेड बातों के अध्ययन कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष, ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में एक दो नंबर के से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। किस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, किसे कहते हैं रिक्तिका दोष? बड़ा ही सिंपल है। बहुत से सॉलिड ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से कभी कभी देखा जाता है अणु में से, जैसे कोई हमारे पास अपन मान लीजिए ठोस क्रिस्टल है, किसी कारणवश आप कह सकते हैं हमने टेम्परेचर दिया तो वहां से अवयवी कण या आयन निकलकर क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं, राइट। तो वास्तव में जो रिक्तिका दोष है, वैकेंसी डिफेक्ट है, ये क्या है? कहते हैं किसी क्रिस्टल जालक, किसी ठोस क्रिस्टल जालक में से जब अवयवी कण निकलकर बाहर हो जाए। सपोज मान लीजिए हमने छोटा सा एग्जांपल लिया यहां पर और ये एक क्रिस्टल बनाया, राइट। और इस क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल का बच्चों निर्माण होता है आप जानते छोटे छोटे परमाणुओं या अणु से होगा, राइट। तो यहां पर ये छोटे छोटे क्रिस्टल हैं, परमाणु भरे हुए हैं, और कोई भी जब बनेगा क्रिस्टल तो अगर आयनिक क्रिस्टल होगा तो आयनों से बनेगा, न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल एटम से बनेंगे, राइट। तो यहां पर देखा यह जाता है कि ये जो एटम है यहां पर ये जो भरा हुआ है, ये एक एटम यहां से निकलकर क्या होता है, बाहर हो जाता है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं एक एटम का क्या हुआ, यहां रिक्तिका हो गया। तो इस प्रकार से जब कोई रिक्तिका होती है, घटना घटती, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। अब इस प्रकार के वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष की जो घटना घटती है, इस घटना को घटने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल वैकेंसी डिफेक्ट को हम लोग उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। उष्मागतिकी दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डिफेक्ट, ये जो घटना होती है, दरअसल ये टेम्परेचर से घटना घटती है, राइट। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो रिक्तिका दोष होती है इस प्रकार की, यदि किसी क्रिस्टल आयन में, यदि किसी क्रिस्टल में घटना घटती है तो देखा यह जाता है कि ऐसी, जब भी घटना घटती है, ऐसी घटनाएं घटने से होता क्या है, हमेशा क्रिस्टल का जो डेंसिटी होता है वो घनत्व होता है, वो घट जाता है, राइट। और इस प्रकार की जो रिक्तिकाएं दोष होती हैं वो अनआयनिक ठोसों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए रिक्तिका दोष के बारे में। कई बार परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न भी बनता है, तो क्या होता है रिक्तिका दोष, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में से परमाणु अणु आयन निकलकर बाहर हो जाते हैं तो इसे हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। और ऐसी घटना अनआयनिक ठोसों में होता है। इस घटना को घटने से ठोसों के जो डेंसिटी होता है, घनत्व तो घट जाता है। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि जो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं वो टेम्परेचर से ज्यादा होती है, तो इसलिए ऐसी हम लोग रिक्तिका दोष को हम लोग उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। बच्चों यदि आप चैनल पर रहे, फटाफट चैनल कीजिए सब्सक्राइब। और अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।